यूपी कॉलेज में जो शुक्रवार को हुआ उसका जवाब मंगलवार को आया। वफ के खिलाफ छात्र आज फिर से सड़कों पर उतरे, जय श्री राम का नारा भी लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। छात्र वक्फ पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वक्फ मस्जिद और मजार का राग लाप रहा है। वाराणसी के यूपी कॉलेज में बवाल क्यों हो रहा है? छात्र और वक्फ के आमने सामने आने से क्या कुछ बातें सामने आई हैं? दोनों आमने सामने क्यों आ गए? यूपी कॉलेज की प्रॉपर्टी में वक्फ के एंट्री की पूरी स्टोरी इस रिपोर्ट में समझिए। आज हम लोग भारी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं, क्योंकि फ्राइडे को उन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। आज हम लोगों ने राजर्षि मानस पुत्रों ने ये बताया है कि वो यदि 500 आएंगे तो हम 5000 की संख्या में आएंगे। पत्रक के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से, यदि इस संस्था में 400-500 नमाजी आते हैं तो इसका पूर्ण विरोध होगा। वाराणसी में अब सीधे सीधे वक्फ बनाम छात्र हो गया है। वक्फ के विरोध में भगवा झंडा लेकर छात्र अब सड़क पर उतर चुके हैं। वक्फ के कब्जे वाले एजेंडे के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। और कोई हम लोगों से शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा तो राजर्षि जी के मानस पुत्र मानने वाले नहीं है, और राजर्षि जी के मानस पुत्र अब जग चुके हैं। लगा लीजिए आप लाख फोर्स, ये पुलिस नमाजियों को नहीं रोक पाती है और नौजवानों को रोकने का काम कर रही है। छात्रों ने मजार से 50 मीटर की दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सड़क पर जय श्री राम का जय घोष हुआ। छात्र पुलिस से भी भिड़े, बैरिकेटिंग भी तोड़ दी। वाराणसी में यूपी कॉलेज यानी कि उदय प्रताप इंटर कॉलेज के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खूब हल्ला हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कॉलेज पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है, जानबूझकर कॉलेज परिसर में नमाजियों को भेजकर अपनी ताकत दिखा रहा है। कॉलेज का माहौल खराब किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को जिहादियों ने, उन्मादियों ने, यहाँ के जो मुस्लिम है वो 4-5 लोग ही नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन जो पुराने विचारधारा के जो है वो आए थे यहाँ पे नमाज पढ़ने, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ के छात्रों को भयभीत कराने के लिए, डराने के लिए। तो उन्हीं का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए थे कि हनुमान चालीसा के माध्यम से हम उनको बता देना चाहते हैं कि अगर वो ललकारने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसा कि बाबा कहते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, न यहाँ कोई बटने वाला है, यहाँ केवल लोग काटने वाले हैं। अगर वो एक हाथ उठाएंगे तो हम लोग 10 हाथ उठाने का काम करेंगे। वक्फ बनाम छात्र की ये लड़ाई का सेंटर पॉइंट है यूपी कॉलेज। उदय प्रताप कॉलेज करीब 100 एकड़ में फैला है। 1909 में राजर्षि जुदेव ने इसकी स्थापना की थी। इसी यूपी कॉलेज में नवाब टोंग की मस्जिद और कचनार शाह की मजार है। मस्जिद और मजार करीब 3 बिस्वा में फैला हुआ है। मस्जिद लाइब्रेरी के पास मौजूद है, जिसमें रोजाना 4 लोग ही नमाज पढ़ने आते हैं। वक्फ और कॉलेज के बीच लड़ाई साल 2018 से चल रही है। 6 साल से वक्फ बोर्ड यूपी कॉलेज पर अपना दावा ठोक रहा है।
लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को वक्फ के खिलाफ सीधे सीधे मैदान में उतरना पड़ा? कैसे वाराणसी में वक्फ बोर्ड कब्जे की स्क्रिप्ट लिख रहा है? कैसे मुस्लिम पावर वाला इकोसिस्टम वक्फ के एजेंडे को बढ़ा रहा है? अब इसे भी समझ लीजिए। 25 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे। योगी उदय प्रताप कॉलेज के 115वें संस्थापना समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। योगी ने यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का वादा किया। इसके लिए कॉलेज प्रशासन से आवेदन की बात कही। योगी वाराणसी से लखनऊ भी नहीं पहुंचे थे कि तभी अचानक से वक्फ बोर्ड का 6 साल पुराना ये लेटर वायरल होने लगा। ये वही लेटर है जिसमें यूपी कॉलेज की जमीन पर वक्फ ने अपनी संपत्ति होने का दावा किया था। इसके बाद अचानक से जुमे के दिन कॉलेज की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिमों की भीड़ नजर आई। 29 नवंबर को कॉलेज में नमाजियों की भारी भीड़ दिखी। 29 नवंबर को 500 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा करने पहुंचे। आम दिनों में 20-25 लोग ही जुमे पर कॉलेज की मस्जिद में पहुंचते थे। मस्जिद में अचानक भीड़ बढ़ी तो सिक्योरिटी एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। भीड़ खुद आई या भीड़ को बुलाया गया, इसकी जांच चल रही है। यूपी कॉलेज के छात्र इकोसिस्टम के इसी ताकत वाले एक्सपेरिमेंट का जवाब अपनी ताकत से दे रहे हैं। वक्फ के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 2 नवंबर से चल रहा है। 2 नवंबर को वाराणसी में छात्रों ने वक्फ के खिलाफ नारेबाजी भी की और वक्फ का पुतला भी जलाया। 3 नवंबर को छात्रों ने भगवा झंडा लहराया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्र तो मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने छात्रों को मजार से 50 मीटर दूरी पर ही रोक दिया, जिसके बाद छात्रों ने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वाराणसी में वक्फ के खिलाफ छात्र इतने गुस्से में इसलिए है क्योंकि वक्फ द्वारा बार बार कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। वाराणसी में जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा। इस साजिश की स्क्रिप्ट 2008 में तैयार की गई थी। 2008 में वसीम अहमद ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा। चिट्ठी में दावा किया गया कि यूपी कॉलेज की जमीन वक्फ की संपत्ति है, कॉलेज प्रशासन ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। 6 दिसंबर 2018 को वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज को नोटिस भेजा। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कॉलेज की जमीन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। 4 दिसंबर 2018 को वक्फ का नोटिस यूपी कॉलेज पहुंचा। शिक्षा समिति के सचिव यूएन सिन्हा ने नोटिस का जवाब दिया। वक्फ बोर्ड को गलत जानकारी देने की बात कही। वक्फ से जमीन संबंधित डीड की मांग की गई, लेकिन वक्फ बोर्ड जमीन से जुड़ा कोई कागज नहीं दिखा पाया।